नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि भारत और रूस के संबंधों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। वो संबंध जो पिछले 40-50 सालों से लगातार प्रगाढ़ होते रहे हैं, मजबूत होते रहे हैं, दोनों में आपसी विश्वास लगातार बढ़ता रहा है और सामरिक तथा आर्थिक दोनों स्तरों पर उसमें मजबूती आती रही है और दोनों ही देश लगातार इस कोशिश में रहे हैं कि इन संबंधों को कमजोर ना होने दिया जाए। हालांकि सोवियत संघ बिखर गया था और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब इन संबंधों का क्या होगा, लेकिन उसके बाद उन संबंधों को संभाला गया, संवारा गया और अभी तक ऐसा लग रहा था कि दोनों अच्छे खासे मित्र हैं और इस दोस्ती में दरार नहीं आएगी। लेकिन अब रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जो बयान दिया है उससे ऐसा लग रहा है कि इस दोस्ती में दरार आ रही है, दरार चौड़ी हो रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका है। अमेरिका इस पूरे इलाके में भारत का इस्तेमाल एक मोहरे के रूप में करना चाहता है और अगर लावरोव के बयान को ठीक से पढ़ा जाए, उसके मायने निकाले जाएं, तो उसका अर्थ ये है कि भारत सरकार भी, मोदी की सरकार भी अमेरिका परस्त होती जा रही है और इसकी वजह से रूस के साथ उसकी दूरियां बढ़ेंगी। सर्गेई लावरोव ने यह बयान भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के संदर्भ में दिया है और इस संदर्भ में वो तमाम राजनीति भी आ गई है जो क्वाड को लेकर चल रही है। क्वाड एक संगठन जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं और जो जिस तरह से चीन की घेरेबंदी करना चाहते हैं वो चिंता भी आ गई है। रूस की चिंता में एक ध्रुवीय दुनिया बनाने की या बनाए रखने की अमेरिकी कोशिश भी है और रूस और चीन को धीरे धीरे अलग थलग करने की कोशिश भी शामिल है जिसमें भारत का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो ये तमाम पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और सामरिक परिप्रेक्ष्य है जिसमें सर्गेई लावरोव ने ये बातें कही हैं और ये बहुत ही गंभीरता के साथ कही गई बातें हैं। इनसे ये संकेत मिलता है कि भारत और रूस के संबंध अब लगता है कि उतने सहज और सुदृढ़ नहीं रह जाएंगे अगर भारत सरकार ने अपनी नीतियों में कुछ बदलाव न किए, इस रिश्ते को संभालने की तरफ ध्यान न दिया और अमेरिका की गोदी में बैठने की हड़बड़ी न दिखाई। तो आज हम इस पूरे संबंध को और लावरोव के बयान को और जो भारत चीन संबंध हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में बल्कि भारत प्रशांत क्षेत्र में जिस तरह की सियासत अमेरिका कर रहा है उस पर नजर डालेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे। गुजारिश यही करेंगे कि अच्छा लोकतंत्र अगर चलाना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप तक सच्ची सूचनाएं पहुंचें, सच्ची खबरें पहुंचें और उसके आधार पर आप सही निर्णय ले सकें। लेकिन गोदी मीडिया ऐसा होने नहीं दे रहा है। वो आपको फर्जी खबरें देता है, झूठी खबरें देता है, आपको गुमराह करने की कोशिश करता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ हैं, उसकी ताकत बने। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और उसमें से आप मनचाही सदस्यता अपने लिए चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि सत्य हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आप ऐसा जरूर करेंगे। हम आपसे ये भी निवेदन करते हैं कि सत्य हिंदी का ऐप अब आ गया है। गूगल प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी उसका एक लिंक है, उसको क्लिक करके भी आप सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमें उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। तो अब वापस लौटते हैं मूल मुद्दे पर, भारत और रूस के संबंधों पर, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की टिप्पणियों पर। सर्गेई लावरोव ने 3-4 चीजें बड़ी मोटी मोटी और खास बातें कही हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो बयान पर आने से पहले ये देखना चाहिए कि अभी तक रूस भारत और चीन के विवाद के बीच में किसी एक पक्ष की तरफ खड़ा होता हुआ नहीं दिखा था। वो अपने को संतुलित रख रहा था, दोनों के साथ खड़ा था, इस विवाद को खत्म करने के लिए दोनों को करीब लाने की कोशिश कर रहा था। उसने मास्को में रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों की बैठकें करवाई थी ताकि इनका विवाद सुलझे और उसके बाद से कुछ हद तक कहा जा सकता है कि बात
सुलझाने की दिशा में आगे भी बढ़ी थी। लेकिन अब रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने साफ साफ कहा है कि भारत जिस तरह से अमेरिका के पक्ष में झुक रहा है या अमेरिका जिस तरह से भारत का इस्तेमाल कर रहा है वो एक तरह से रूस और चीन को अलग थलग करने की उसकी रणनीति के तहत है। अब ये स्पष्ट रूप से जो रूस के विदेश मंत्री ने स्टैंड लिया है वो अगर आप चीनी नीति को देख रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय नीति को देख रहे हो और भारत के साथ उसके जो संबंध अभी बिगड़े हैं उस दौरान उसने जिस तरह की टिप्पणी की हैं उनको सामने रखें तो स्पष्ट हो जाता है कि रूस और चीन का नजरिया आपस में इस मामले में बहुत करीब पहुंच चुका है। यानी चीन भी ये मांगता है कि रूस के भड़कावे की वजह से, उकसाने की वजह से भारत इतना ज्यादा चीन से उलझने की कोशिश कर रहा है और अब रूस भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचता हुआ लग रहा है कि जो अमेरिकी भूमिका है भारत की विदेश नीति में वो बढ़ गई है। और चूंकि अमेरिका ने तो अभियान छेड़ा हुआ है चीन के खिलाफ, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो चाहे सामरिक स्तर पर हो, वो एक गोलबंदी भी कर रहा है, ट्रंप की तो घोषित नीति ही ये थी। और अमेरिका भी, चूंकि अमेरिकी साम्राज्य अब धीरे धीरे उतार पर है और चीनी जो साम्राज्य है ऊपर जा रहा है, तो अमेरिका को ये भय सता रहा है कि कहीं वो और नीचे न चला जाए तो वो वापस अपने आप को एक ध्रुवीय दुनिया बनाने की दिशा में ले जाना चाहता है जहां रूस और चीन को कॉर्नर किया जा सके और उसकी सुप्रीमेसी फिर से कायम हो सके, उसका वर्चस्व स्थापित हो सके। तो इस वर्चस्व को स्थापित करने के लिए वो कई खेल खेल रहा है दुनिया के स्तर पर। ट्रेड वार उनमें से एक है जिसमें ट्रेड वार के जरिए जहां वो चीन पर हमला कर रहा है वहीं रूस पर भी तरह तरह से प्रतिबंध लगाकर उसके व्यापार को सीमित करने की कोशिश कर रहा है और बाकी दुनिया के देशों को भी धमका रहा है कि रूस के साथ कोई भी व्यापार न किया जाए, हथियारों के सौदे न किए जाए। भारत पर भी ये दबाव था, भारत के पर भी उसने भरपूर दबाव डाला है इसके लिए और भारत ने कुछ हद तक दबाव माने भी हैं। लेकिन चूंकि S-400 एक बहुत ही अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है और उसे उसकी ज़रूरत थी, इसलिए अमेरिकी दबाव के को परे रखकर भी उसने रूस से ये डिफेंस सिस्टम खरीदने का सौदा किया है। तो अमेरिका रूस और चीन को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा और अब इसमें भारत की भूमिका को रूस ये देख रहा है कि वो भी उसमें उसका सहयोग कर रहा है या अमेरिका रूस भारत का इस्तेमाल कर रहा है। और उसने इसमें क्वाड का जिक्र किया है। आप जानते हैं कि जो भारत प्रशांत क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक रीजन है, उसके चार देशों को मिलाकर उसने क्वाड का गठन किया जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और अमेरिका है। ये चार देश चीन की घेरेबंदी कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से देख रहा है। चीन को एक बड़ा खतरा बताते हुए अमेरिका इन सब देशों को एकजुट कर उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है, अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए भारत का इस्तेमाल कर रहा है, ये रूस का कहना है। और चूंकि चीन भी लगातार ये बात कहता रहा इस पूरे सीमा विवाद के दौरान, उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसके प्रवक्ताओं की तरफ से लगातार ये बातें आती रही हैं कि भारत नई दिल्ली वाशिंगटन यानी अमेरिका के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा झुकता जा रहा है, उसके इशारों पर ये सब कर रहा है। तो अगर चीन ये कह रहा था और अब रूस ये कह रहा है तो इसका मतलब है कि चीन और रूस दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। रूस अभी तक भारत के संबंध में ये चीज़ें नहीं कह रहा था लेकिन रूस ने वही बातें दोहरानी शुरू कर दी हैं। तो इसका मतलब है कि रूस और चीन तो करीब आ गए हैं लेकिन भारत अब दूर जा रहा है। और अगर भारत दूर जा रहा है, भारत अमेरिका के मोहरे के तौर पर खेलने की कोशिश कर रहा है, भारत अमेरिका के पक्ष में ज़्यादा झुक रहा है, तो निश्चित रूप से चीन और रूस दोनों इस मिलकर दबाव डालने की कोशिश करेंगे और रूस के साथ भारत के संबंध और बिगड़ने शुरू हो जाएंगे क्योंकि रूस देख रहा है कि अमेरिका उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है, चीन के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। तो एक बड़ी ही विचित्र सी स्थिति बन रही है जिसमें अगर ये संबंध भारत के खराब होते हैं तो उसके जो नतीजे हैं वो बहुत बुरे निकल सकते हैं क्योंकि हमारी जो रक्षा व्यवस्था है, हमारी सेना
जो गोला बारूद और तोपों और कलपुर्जों के मामले में हमारी जो निर्भरता है रूस पर, वो हमें कहीं खतरे में न डाल दें। एक खतरा तो ये है, दूसरा हम S-400 डिफेंस सिस्टम भी खरीद रहे हैं उससे, तो इस डील में भी कहीं कुछ घालमेल ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका का दबाव है। और भारत ने अपनी तरफ से भी ऐसे बहुत कोशिशें की हैं जिनसे ये मैसेज गया है कि वो अमेरिका का साथ लेना चाहता है चीन के खिलाफ, अमेरिका के साथ खड़ा हो रहा है। और अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने संयुक्त सेनाभ्यास किया था और ऑस्ट्रेलिया और चीन के रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं, जापान के साथ चीन के रिश्ते पहले से ही खराब हैं, अमेरिका तो अभियान छेड़ा हुआ है। तो अगर इन तीन देशों के साथ भारत भी मिल रहा है तो एक संदेश तो यही जाता है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर चीन के खिलाफ मुहिम चला रहा है। अब इसका संबंध निश्चित रूप से, रूस ने चीन के साथ अपने संबंध बहुत बेहतर किए हैं क्योंकि दोनों ही अमेरिका की नीतियों के मारे हुए हैं, दोनों में आपसी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, सीमा विवाद इन्होंने आपस में सुलझा लिए हैं, दोनों आर्थिक स्तर पर लेन देन कर रहे हैं, तो दोनों में एक साझेदारी पनप रही है। और अगर भारत इनके साथ इस त्रिकोण बन पाता तो ये बहुत अच्छा होता इस पूरे इलाके के लिए और पूरी दुनिया भर के लिए, क्योंकि अब हम एक ध्रुवीय दुनिया में नहीं रह रहे हैं, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है जिसमें एक ध्रुव अमेरिका है, एक चीन है, एक रूस है, और इस तरह से कई ध्रुव अब आकार ले रहे हैं, और उन ध्रुवों को ध्यान में रखते हुए हमारी विदेश नीति बननी चाहिए। लेकिन एक अमेरिका परस्ती हमारे मोदी सरकार के एस्टेब्लिशमेंट में है, उसमें जिस तरह के लोग काम करने वाले हैं, जिनको विदेश नीति का भार सौंपा गया है, जिन पर रक्षा नीति का भार सौंपा गया है, वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स और नेता अमेरिका परस्त दिमाग वाले हैं, तो वो अमेरिका के पक्ष में झुकने के लिए, झुकाने के लिए लगातार प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि भारत लगातार ऐसा संकेत जा रहे हैं दुनिया को कि भारत अमेरिका के साथ जुड़ रहा है, अमेरिका के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका बरसों से कोशिश कर रहा है कि चीन के खिलाफ भारत को खड़ा करें, भारत का इस्तेमाल करें, और अब इस पूरे चीन भारत की सीमा विवाद के बीच में ये संभव होता दिख रहा है, क्योंकि क्वाड ने काफ़ी अपने आप को मजबूत किया और भारत उसकी सक्रियता, भारत की उसमें सक्रियता एकदम से बढ़ गई है। तो ये एक खतरनाक दिशा में ले जा रहा है जहां हम अपने पुराना दोस्त रूस को खो सकते हैं और अमेरिका का प्रभाव चीन से हमारे रिश्तों को और भी खराब कर सकता है। ये समय है समझदारी से काम लेने का, मल्टीपोलर वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों को गढ़ने का और किसी एक शक्ति के ज़्यादा करीब न जाने का। ये समझदारी मोदी सरकार में अभी तक नजर नहीं आई है। अगर ये रूस का हमारा मित्र, पुराना मित्र खोते हैं तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, क्योंकि हमें बहुत बार उसकी जरूरत पड़ती रहती सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। उम्मीद करना चाहिए कि लावरो का बयान एक वार्निंग सिग्नल की तरह काम करेगा और मोदी सरकार समझदारी से काम लेते हुए अपने इन संबंधों को बचाने की कोशिश करेगी और अमेरिका से ज़्यादा निकटता दिखाकर अपने पड़ोसियों को नाराज करने की दिशा में आगे कदम नहीं बढ़ाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी और आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक sathhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।